तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई अदर वीडियो ऑफ लाहौर। तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं अकबरी दरवाज़ा। अकबरी दरवाज़ा कैसे तामीर हुआ, किसे इसने तामीर करवाया, क्या वजह बनी कि अकबरी दरवाजे को तामीर किया गया। तो दोस्तों, आपने अगर अकबरी दरवाजे के रिलेटेड सारी मालूमात हासिल करनी है तो वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगी। तो चलते हैं, अकबरी दरवाज़ा आपको फोर डे दिखाते हैं और आरासा करते हैं सब डिटेल से अकबरी दरवाजे की। लेट्स गो। दरवाजे में खुश आमदीद। किला लाहौर के मशरकी सिमत में मौजूद ये दरवाजा अकबरी दरवाजा या मस्ती दरवाजा कहलाता है, जो 1566 में तामीर किया गया। इस दरवाजे का नाम मुगल बादशाह अकबर के नाम से रखा गया, जिसने किला लाहौर की पक्की ईंटों से असरे नौ तामीर शुरू करवाई और बहुत सी नई तामीरात में इजाफा किया। बादशाह अकबर की बेगम ने इस दरवाजे के बाहर बेगम मस्जिद भी तामीर करवाई, जो कि आज तक मौजूद है। तो वो सी है अकबरी दरवाज़ा जो हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा। इसकी आपको हम जंजीरें विजिट कराते हैं। इसकी जंजीरें देखिए, तकरीबन मेरे हाथ में देखें, इतनी इतनी बड़ी इसकी जंजीर है। तो ताला देखिए, इसको इतना बड़ा इसका ताला लगा हुआ है। और ये ताला देखिए, ये दरवाज़ा उसके इसके बाहर की तरफ देखते हैं। आज भी इस दरवाजे की अजमत इसकी उम्र रसीदा ईंटों और वसी ढांचे से आया है। ये एक अजीम दरवाज़ा है जिसकी दोनों तरफ हश्त पहलू फसील तामीर की गई, जिसमें जंग के दौरान दफा को मजबूत बनाने के लिए जरूरी पहलू को मद्देनजर रखा गया। इस दरवाजे को सीधा जमीन से ऊंचाई सतह पर बनाया गया। इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई कि हाथी इस दरवाजे से बआसानी दाखिल हो सके। और इस दरवाजे की दो मंजिलें बनाई गई, जिसमें कमरे मौजूद हैं, जो कि पहरेदारों और सिपाहियों के जेर निगरानी हुआ करते थे। इस दरवाजे के नीचे एक तहखाना भी है। इसके नजदीक ही अकबरी सिराय अकबरी आरामगाह हुआ करती थी। ये थी दोस्तों अकबरी दरवाजे की हिस्ट्री। तो कैसी लगी हमारी आज की अकबरी दरवाजे का विजिट है? तो ये आपने देख लिया अकबरी दरवाज़ा, यहाँ से हाथी कम अज़ कम आराम से दाखिल हो सकता है अकबरी दरवाजे से। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दोबारा नहीं भूलना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट शाही किला के टूर में।